Hello everyone, welcome back. In our last video, we have already seen about the statement of purpose, what does it mean? And now we are going to see the example of SOP, that is called the statement of purpose. And in our last video, we have already seen that which points we have to mention while writing down this statement of purpose. हमने अपने लास्ट वर्ड में ये देखा था कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं तो ऐसे इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन करना चाहिए. जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने पहले ही कहा था कि इन अर फर्स्ट पैराग्राफ वी जस्ट वांट टू मेंशन योर पर्सनल बैकग्राउंड, योर मेंटल मेकअप एंड योर एम इन लाइफ. मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मेंशन करना है कि आपका मतलब एम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है और आप किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो ये कोर्स करने के लिए. सो इन दिस फर्स्ट पैसेज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस मच. यहाँ जो स्टूडेंट है वो लिख रहा है एप्लीकेशन, ठीक है, एंड दैट स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो ऐसे इसमें वो कह रहा है यहाँ पर फर्स्ट पैसेज में कि उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसका एक सपना है कि उसको वो एम मतलब करना है. फिर उसने ये एग्जाम्पल बताया कि व्हाई ही हैज मीन्स गेटिंग इंटरेस्ट इन डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग. और बाद में बता रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने में उसको इंटरेस्ट कब से क्रिएट हुआ है. तो दैट स्टूडेंट इज जस्ट शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस ओवर हियर. कि एक बार वो बोल रही है, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ इस फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में, कि वो स्टूडेंट बता रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में कि एक बार अपने डैड के कारण से कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे, अचानक बीच में कार बंद हो गई. ऐसे इसमें उसके जो पापा थे वो थे इंजीनियर थे, तो उन्होंने क्या किया वहाँ से जो बोनेट है बोनेट ओपन किया, जैसे कार का सामने का पोर्शन होता है उसको ओपन किया एंड उन्होंने वो रिपेयर किया. देन आफ्टर ही वॉज जस्ट एडमायर्ड हिज फादर, उसने अपने पापा की तारीफ की एंड देन आफ्टर वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट वहीं से कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है. इसलिए वो कह रहा है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशली ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग से मुझे क्या करना है, कोर्स करना है. ये हुआ फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में जो हमें एसओपी में मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना है. अब सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है. अब सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर आप सेकंड पैराग्राफ लिख रहे हो तो वहाँ पर आपको लिखना है कि आप क्यों ये स्पेसिफिक प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा और डिटेल में आपको लिखना है. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकंड पैराग्राफ. Over the summer holidays of 2017, I undertook an internship at a bus and coach manufacturing factory in Pune. अब वो बोल रहे कि 2017 की बात है, summer holidays में मैंने क्या किया है, मैंने जो बस होता है, ठीक है, बस और कोच जो होता है मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है फैक्ट्री, उसने वहाँ पर पुणे में उसने क्या किया, इंटर्नशिप किया है. इंटर्नशिप का आपको मतलब होता है कि अगर आप कोई कोर्स करते हो तो उसके लिए उसके बाद, जैसे अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है उसके बाद आपको एक चांस मिलता है इंटर्नशिप करने का, कि कंपनी में जॉब करने कुछ महीनों के लिए, कुछ 6 महीने के लिए होता है, कभी 1 साल के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप. एज एन अप्रेंटाइज आई हैड अ टीम ऑफ हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स टू गाइड मी. द टीम वर्क जील एंड एक्सपर्टाइज डिस्प्लेड वॉज एन इनॉर्मस लर्निंग पॉइंट. अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जहाँ पर उनको अप्रेंटाइज करने का मौका मिला, दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप, वहाँ पर उनके साथ जो इंजीनियर्स थे वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थे, जिन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है. वहाँ का जो टीम वर्क था वो बहुत ही झील मतलब बहुत ही एंथुजियास्टिक था, बहुत एक्साइटेड था और वहाँ पर पूरे एक्सपर्टाइज थे जो क्या कर रहे थे, वो इनॉर्मस लर्निंग पॉइंट जहाँ से बहुत कुछ सीखने लायक ऐसे था. द एक्सपीरियंस एनरिच माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ व्हीकल्स वर्क. और वो कह रहे कि ये जो एक्सपीरियंस था यहाँ का, जहाँ पर मैंने अपने अप्रेंटिसशिप किए, जहाँ पर मैंने इंटर्नशिप किए हैं, वो जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही हाईली एनरिच था, बहुत ही मेरे लिए बेनिफिशियल था, बिकॉज मुझे वहाँ पर जाकर पता चला कि किस तरीके से ये जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होते हैं, किस तरीके से काम करती है. दिस इंटर्नशिप गेव मी एन इनसाइट इन टू द डे टू डे चैलेंजेस फेस बाय एन इंजीनियर. अब वो कहते हैं कि जो इंटर्नशिप था मुझे कहीं ना कहीं वो चांस मिला कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो कौन से चैलेंज हर रोज फेस करते हैं. आई ऑल्सो लर्न द बेसिक्स ऑफ लैथ एंड मिलिंग मशीन एंड वॉज एबल टू मेक अ बोल्ट विथ थ्रेड्स ऑन इट. अब वो बोल रहे कि मुझे यहाँ पर जो बेसिक था वो मुझे सीखने का मौका मिला, जो मिलिंग मशीन्स होती है वो मुझे सीखने का मौका मिला और जो बोल्ट होते हैं, वो बोले कि देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है, वॉज एबल टू मेक अ बोल्ट विथ थ्रेड्स ऑन इट. और जो बोल्ट है मैंने बोल्ट बनाना जहाँ पर ऊपर क्या थे थ्रेड्स था. यूटिलाइजिंग दिस मशीनिंग स्किल्स आई वॉज एबल टू मेक माई ओन फिजेट स्पिनर. वो कहते हैं जो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर मुझे मिला था वो सारा एक्सपीरियंस यूज करके मैंने क्या किया है, मैंने जो फिजेट स्पिनर है वो मैंने खुद ही बनाया था. ये वो हमारा सेकंड पैराग्राफ. नाउ वी विल मूव ऑन द
थर्ड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ आपको लिखना है कि आपका करियर का गोल, ऑब्जेक्टिव, हॉबीज या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आपके गोल को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा और ज्यादा स्ट्रेंथ बनाएगा, स्ट्रेंथन बनाएगा। नाउ दिस इज थर्ड पैराग्राफ दैट स्टूडेंट इज राइटिंग डाउन। आई स्टडी इन अ स्कूल दैट लेज ग्रेट एम्फसाइज ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज स्पेशली स्पोर्ट्स। अब स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा जो एम्फसाइज था, बहुत ज़्यादा जो था हम जिसको कहते हैं कि जैसे बहुत सारे स्कूल में पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एजुकेशन के अलावा दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब ये बोल रहे हैं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज थी, स्पेशली क्या था वहाँ पर, स्पोर्ट्स था। आई एक्सेल्ड इन हॉकी एंड स्विमिंग। ये स्टूडेंट कह रहा है कि मैं हॉकी में और स्विमिंग में क्या था, एक्सपर्ट था, बहुत ही मतलब एक्सेल था, मैं बहुत ही वेल वर्स था वहाँ पर। इन हॉकी आई हैव बीन अ स्कूल ए टीम राइट फ्रॉम द एज ऑफ 7। वो बोले कि आई हैव बीन इन द स्कूल ए टीम राइट फ्रॉम द एज ऑफ 7। वो कह रहे कि मैं जब 7 साल का था और जब मैं स्कूल में था तब से मैं क्या था, जो स्कूल की टीम थी ए, मैं उस टीम में था। दिस एसोसिएशन विथ हॉकी हैज़ इम्प्रूव्ड माई हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड माई एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड इन एनी गिवन सिचुएशन, एट्रीब्यूट्स इसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल इंजीनियर। अब आपको पता है हॉकी में होती है स्टिक होता है, सामने होता है वो जो बॉल होता है वो होता है, तो ऐसे इसमें आपका माइंड का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर लगता है, आपकी हैंड की एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर लगती है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट वहाँ पर बता रहा है कि मैं हॉकी में इंटरेस्ट था, मैं हॉकी और स्विमिंग में बहुत ही एक्सेल था, मैं बहुत ही मतलब एक्सपर्ट था, हम ऐसे कह सकते हैं। एंड ही इज अगेन मेंशनिंग, और फिर से एक बात तो मेंशन कर रहा है यहाँ पर कि वो कह रहा है कि जिस तरीके से हॉकी खेलते समय हमारा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है, हमारी जो हैंड एक्टिविटीज है ठीक है, जैसे उसकी मतलब वो उसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे कि वो जो हैंड और आई मतलब आंखों का और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन था, वो कह रहे कहीं ना कहीं इससे मेरे अंदर क्या एक एबिलिटी आई कि जो इंजीनियर्स होते हैं सक्सेसफुल इंजीनियर्स मतलब टू स्टे फोकस इन एनी गिवन सिचुएशन एट्रीब्यूट इसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल इंजीनियर। और सक्सेसफुल इंजीनियर होने के लिए जो इसेंशियल बातें होती है, जैसे आपका माइंड भी चाहिए, आपका हाथ का, जैसे आप कुछ बनाते हो मशीन्स वगैरह, ऑफकोर्स हैंड का तो यूज़ होगा ही वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो हॉकी है वो हॉकी खेलने से शायद से कहीं ना कहीं स्टूडेंट कह रहा है कि यस इसने मुझे पावरफुल बनाया है माइंड और हैंड के कॉन्सेंट्रेशन में, कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल इंजीनियर होने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। Outside of school, I picked up the sports of cricket, which initially began as a family outing. अब बोले कि स्कूल के अलावा मैं क्या करता था, मैं क्रिकेट खेलता था स्पेशली जब मैं हम लोग फैमिली आउटिंग मतलब हम लोग फैमिली जब बाहर जाते थे। Later on, I immersed myself in the sports. वो कह रहे कि उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जनरेट हुआ, ज़्यादा क्रिएट हुआ, मैं स्पोर्ट्स में हो गया। क्रिकेट हैज़ हेल्प मी बिल्ड ऑन माई लेवल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वो कह रहे हैं कि क्रिकेट ने मुझे क्या किया, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप किया मेरे अंदर। कॉन्सेंट्रेशन कम्स आउट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हंगर। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे आता है, कॉन्सेंट्रेशन आता है कॉन्फिडेंस से और हंगर से। हंगर मतलब भूख, भूख इन द सेंस टू गेन द नॉलेज, वो जो चीज़ है वो सीखने की भूख, कुछ नॉलेज लेने की भूख, दैट इज कॉल्ड द हंगर। दीज आर वर्ड्स दैट Every engineer should live by, have insatiable hunger to be the best in design, research and manufacturing of machines and their subsystems. अभी कह रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन आता है कॉन्फिडेंस से और हंगर से। मैंने आपको पहले कहा हंगर का मतलब यहाँ पर भूख होती है कुछ चीज़ों के बारे में जानने की, नॉलेज लेने की, कुछ सीखने की, एक क्यूरियोसिटी होती है ठीक है, जो आपको शायद से सोने नहीं देता, या फिर जो शायद से आपको कहते हैं कि नहीं, यू जस्ट वांट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, यू जस्ट वांट टू गेन मोर एंड मोर एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड द हंगर। अब वो कह रहे हैं कि ये जो था, ये कहते हैं कि दीज आर द वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है वो हर एक इंजीनियर कहीं ना कहीं क्या करते हैं उसी के साथ जीता मतलब जीता है। बाय हैव इनसेटेबल हंगर टू बी द बेस्ट इन डिजाइन, क्या होता है उसके अंदर हंगर है किस बात का, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल इंजीनियर्स होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, दे जस्ट वांट टू इन्वेंट समथिंग न्यू, दे जस्ट वांट टू बिल्ड अप समथिंग न्यू, तो कहीं ना कहीं ये जो इंजीनियर्स होते हैं उनको ऐसे लगता है कि जो डिजाइन है वो बेस्ट डिजाइन कैसे आया,
उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी होती कि नहीं, और सीखने की नहीं, जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, वेदर इट्स माइट बी एनीथिंग, एनी मशीन ऑल्सो, कोई भी मशीन हो सकती है। हम जो मशीन्स देखते हैं आज, जो हम इन्वेंशंस देखते हैं, कहीं ना कहीं ये वही है कि एक हंगर है जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर्स है उनके अंदर, कि हाँ हम लोग और ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएंगे, हम लोग और इस चीज़ को और इम्प्रूवड या फिर और डेवलप तरीके से हम लोग कैसे उसको इमर्ज कर सकते हैं, कैसे हम उसको ला सकते हैं, दैट इज़ द स्किल। और कहीं ना कहीं ये जो है कॉन्फिडेंस एंड हंगर, कहीं ना कहीं ये चीज़ इंजीनियर को क्या करती है, जो डिज़ाइन हो, बेस्ट डिज़ाइन कैसे हो, तैयार हो, उसके वो मतलब एक उनको ना वो शायद से एक पावर लाती है। रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स एंड देयर सब सिस्टम, रिसर्च करना, जो मशीन्स उसको मैन्युफैक्चर करना और उसके जो सब सिस्टम्स होते हैं उन सबको, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंट्रेशन है आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है। वी रन अ डेली फीडिंग प्रोग्राम इन आर टेम्पल्स वेयर एवरी वन इज़ वेलकम इन। आई हैव टेकन पार्ट इन दिस सर्विसेज नियरली एवरी वीकेंड। आई हैव ऑल्सो टेकन पार्ट इन सेवरल अदर कम्युनिटी सर्विस वेंचर्स सच एज प्लांटिंग ट्रीज इन अ बिड टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एन एपिलेप्सी वॉक इन ऑर्डर टू कलेक्ट मनी टू हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु कांट एफोर्ड द मेडिकल केयर रिक्वायर्ड टू ट्रीट एपिलेप्सी। अब यहाँ पर जो है, दिस इज द फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ में वो कह रहा है कि यहाँ पर वो बता रहा है अपने खुद के बारे में, एक्स्ट्रा थिंग के बारे में थोड़ा सा, मीन्स एक्सेप्ट एक्स्ट्रा एक्सेप्ट एजुकेशन एक्स्ट्रा एंड एक्सेप्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। वो कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक फीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं, हमारे यहाँ पर टेम्पल जो जैसे मंदिर होता है, मंदिर में जैसे पर्टिकुलर डे को गरीबों को खाना खिलाया जाता है, गरीब इन नॉट सेंस, जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको खाना खिलाया जाता है। वो कह रहे कि हम लोग वो करते हैं। दूसरा फोटो कह रहा है कि हम मतलब जो एक वीकेंड सर्विसेस होती है, कोई भी सोशल सर्विस उसमें पार्टिसिपेट करता हो, कहता है कि जो स्पेशल कम्युनिटी वेंचर्स होते हैं, समाज के लिए कुछ होता है, मैं वो करता हूँ, जैसे प्लांटिंग ट्रीज है, मतलब पौधे लगाना, जिसके वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है, जो आजकल हमें दिख रहा है कि पेड़ पौधे कम हो रहे, उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं। वो कह रहा है कि आई एम पार्टिसिपेटिंग इन प्लांटिंग ट्रीज। देन आफ्टर करके हम लोग क्या करते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं। जो एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी पता है आपको, एक बहुत ही मतलब हम इसको महारोग कहते हैं, ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट के लिए। वो कह रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। आई बिलीव दैट आई एम अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द कोर्स सिंस द सब्जेक्ट्स आई हैव पिक्ड फॉर माई अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब देखो वो ये, अब यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है, हमने पहले कहा था कि ये जो है आपका जो रहेगा, दैट इज हम जिसको कहते हैं कि SOP रहेगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर मेंशन करना है कि आप किस तरीके से इस कोर्स के लिए आप लोग कैसे हो, कैपेबल हो। अब वो कह रहा है कि यस आई बिलीव कि ये जो मैं जो कैंडिडेट हूँ, मैं सुटेबल कैंडिडेट हूँ इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मेरा जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसको परस्यू करने के लिए, नेमली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हैव एक्सपोज मी टू हाई लेवल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। वो कह रहा है कि जो था स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स है, वो कहीं ना कहीं उसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उसको क्या करता है, एक इसको एक्सपोज करता है, फिर उसको शायद से कहीं ना कहीं इट कंपेल्स इट टू थिंक इन अ क्रिटिकल वे। थ्रू आउट हाई स्कूल आई हैव बीन अ प्रैक्टिकल थिंकर, माई पैशन फॉर फिजिक्स हैज हेल्प्ड माई एनालिटिकल स्किल्स। मैकेनिकल इंजीनियर स्पेसिफिकली अप्लाई फंडामेंटल मैथ्स एंड फिजिक्स लॉज टू फाइंड सोल्यूशंस ऑफ मशीन्स विच वी यूज एवरी डे। वो कह रहा है कि जो मेरे स्कूल, जो थ्रू आउट स्कूल था, मेरा स्कूल लाइफ में पूरा क्या कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल थिंक, आई वॉज थिंकिंग प्रैक्टिकल कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों होता है करके। और वो कह रहा है कि ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स कहने का मेरा पैशन था, जो मुझे कहीं ना कहीं उस किसी चीज़ को एनालिटिकली सोचने के लिए मुझे कंपेल करता था। एंड ही अगेन सेज मैकेनिकल इंजीनियर स्पेसिफिकली अप्लाई फंडामेंटल मैथ्स एंड फिजिक्स लॉ टू फाइंड सोल्यूशन इन मशीन्स विच वी यूज एवरी डे। और वो कहता है कि मैकेनिकल इंजीनियर में स्पेशली जो फिजिक्स और मैथ्स होता है, वो कहीं ना कहीं आपको एक मशीन जो होती है, वो मशीन जो के जो सोल्यूशन होते हैं उसको फाइंड आउट करने में वो हेल्प करता है। आई बिलीव दैट द यूके इज द आइडियल लोकेशन फॉर माई चॉइस ऑफ स्टडी एज इट इज नोन टू हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर इंजीनियरिंग ऑफरिंग टॉप नॉच फैसिलिटीज इन रिसर्च डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर। अब ये जो स्टूडेंट है वो कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, यूके यूनिवर्सिटी में। इसलिए वो कह रहा है
कि मेरा ऐसा ट्रस्ट है, मेरा ऐसा विश्वास है कि यूके दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर इंजीनियर्स के लिए नए नए फैसिलिटीज़, प्रोग्राम, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर सीखने को मिलता है। द यूके हैज़ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनीज विच पायोनियर्ड ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग टू वॉट इट इज़ टूडे। वो कहता है कि यूके एक ऐसा है जो ग्रेटेस्ट कंपनीज में से जो क्या करता है, जो ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग को, जो आज हमें दिखता है ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, दैट इज कार, व्हीकल्स, ऑल दिस थिंग्स, कहने उसको पायनियर कर रहा है, उसको एक अच्छे इसमें लेके जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एस्टन मार्टिन एंड जगवार लैंड रोवर। वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एस्टन मार्टिन एंड जगवार लैंड रोवर, जो आपको पता है कार के टाइप्स हैं। आई होप टू रेस सिक्योर एडमिशन दैट विल प्रोवाइड मी विद द अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माई ड्रीम्स। वो कह रहा है कि मैं इसे आशा करता हूँ कि दैट विल प्रोवाइड मी विद अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माई ड्रीम, कि अगर मुझे यहाँ पर एडमिशन मिलती तो क्या होगा, मेरा जो ड्रीम है मैं उसे फुलफिल करने में शायद से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे मौका मिलेगा मैं मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए। ये है एग्जाम्पल कि अगर आपको, जैसे उसको यूके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी, इसलिए उसने सब कुछ बताया कि यस, उसने अपना पहले बैकग्राउंड बताया, उसने फिर कोर ऑफ इंटरेस्ट बताया, उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनका जो इंटरेस्ट है वो जनरेट हुआ है, देन आफ्टर ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज ओन पर्सनालिटी कि किस तरीके से उसको स्कूल से उसको मैथ्स और फिजिक्स बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एनालिटिकल थिंकिंग के लिए उसको प्रोत्साहित करता, इंस्पायर करता था, वो सारी चीज़ें मेंशन की। और एंडिंग उन्होंने कहा है स्टूडेंट ने कि हाँ, कि फिजिक्स और मैथ्स से मुझे एनालिटिक थिंकिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्या मिला, एक मौका मिला है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यस, अगर मुझे यहाँ पर एडमिशन मिलती है यूके यूनिवर्सिटी में। अब वो बता रहा है कि यूनिवर्सिटी की खासियत उसके बारे में बता रहा है कि इफ़ आई गेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ओवर हियर आई विल फुलफिल माई ड्रीम होपफुली, वो यहाँ पर बता रहा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ SOP। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर सैम्पल टू स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, यहाँ पर है इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने पहले देखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट डिपेंड्स ऑन द कोर्सेस एंड इट माइट बी डिफर अकॉर्डिंग द कोर्सेस फॉर राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हो तो कोर्सेज के हिसाब से आपका अलग रहेगा। अब यहाँ पर था उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसको अपना करियर करना था, इसलिए उसने जो फिजिक्स मैथ्स है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से वो सब्जेक्ट उसको इंटरेस्टिंग लगते थे। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में जब लिखोगे तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करोगे यहाँ पर, तो आपका जो SOP रहेगा, मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहेगा, वो रहेगा थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफर रहेगा। ये है, तो टुमारो फॉर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी this sample two statement of purpose. Hope you understood this one, and if you understood this one, just try to write down in your own words a statement of purpose. जैसे यहाँ पर एक दिया है mechanical engineering के बारे में, यहाँ पर second example है economics के बारे में, जैसे economy उसको undergraduate course करना है, आप यहाँ पर BTech है, जैसे BSc है, physics है, maths है, या फिर political science है, या फिर MBBS है, आप वहाँ पर कोर्सेज करना चाहते हो, तो आप जस्ट ट्राई टू राइट डाउन योर ओन वर्ड्स, आप सिर्फ खुद के वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश करो। होपफुली इफ यू ट्राई इट यू विल बी एबल टू राइट डाउन योर ओन वर्ड्स प्रॉपरली। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वन, इन अ नेक्स्ट वीडियो विल सी रेस्ट ऑफ द थिंग्स। टिल देन गुड बाय।